हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 16th नंबर का। अभी तक हम लोग जो है 15th प्रैक्टिस टेस्ट जो है कम्प्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप पता है कि भाई CUET का जो एग्ज़ाम है वो आपका मई में होने वाला है, और CUET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका तीसरा सेक्शन आएगा उसमें आपके तीन सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक पार्ट से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो है 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे और 15 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना। कोशिश मेरी यही कि आपका एक भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग का नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो है मैंने क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराए हैं, ताकि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और देखो, दो चीजें हो रही हैं। एक आपका नंबर, आप क्वेश्चन का कलेक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है भाई। 15th प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दो पार्टों में मिलता है, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में आप देखेंगे कि कम से कम 26, किसी में 27, किसी में 28 क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। तो ऑन एवरेज अगर आप 25 ले लें भाई, आपके इसमें तो 25 आएंगे, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक से, ठीक है, तो अगर ऑन एवरेज आप जो है 25 क्वेश्चन लेते हैं तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए रीजनिंग से रिलेटेड। और इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, तो ये मैं वादा करता हूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन आपका CUET में रीजनिंग का नहीं आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया है कि आपका जो है टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा है। जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन लिया गया, पहले उस टॉपिक के हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको भी हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। तो अगर अभी तक आपने उन सारे पार्ट को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है, ताकि आपको बहुत कोई अच्छा जो है कॉलेज मिले, जो आपके दिमाग में है कि भाई मुझे यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, ये कॉलेज मुझे चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्या है। तो मैं हर बार आपसे बताता हूँ कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग केवल एक थिंकिंग है, केवल एक लॉजिक है। आप जितने भी टॉपिक रीजनिंग में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ रखे हैं, आपको उनके बारे में पता है। तो रीजनिंग में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका जो कोई उस टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आपके दिमाग में, तो आप हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए रीजनिंग बहुत आसान है। इसलिए कहते हैं रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग तो केवल एक लॉजिक है, केवल थिंकिंग है। चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लो, हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता है, हर एक टॉपिक के बारे में आप जानते हैं। बस यहां पर बात आती है टाइमिंग की, कि भाई 25 क्वेश्चन हम कैसे 10 मिनट में सॉल्व करें, ताकि जो हमारा टाइम बाकी एक्स्ट्रा बचेगा वो दूसरे सब्जेक्ट में हम दे पाए। तो अब इस 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, जब आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर एक टॉपिक को लेकर के, कि भाई अगर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आना आता है तो कैसे कर सकते हैं उसको, अगर डायरेक्शन से आता है तो कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, बिल्कुल 100%। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज क्लास भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज भी हम लोग जो है जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर वो उस क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में, ऐसा नहीं कि मैंने एक में करा दिया बाकी सब में मैंने केवल क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अगर आपने पहले के सारे प्रैक्टिस टेस्ट देखे होंगे,
तो उसमें मैंने हर एक जिस भी प्रैक्टिस टेस्ट में अगर दो बार क्वेश्चन पूछा गया तो दो बार मैंने आपको पूरा का पूरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर रहे, ठीक है ना। आप जब चार बार उस चीज को पढ़ लेते हैं तो आपको जो है रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप बस जितने प्रैक्टिस टेस्ट मैंने कराए सारे देख लो, आपको एक बार भी किसी बुक की या आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उतने में से ही जो है आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बता दी कि भाई रीजनिंग क्या है, ठीक है ना। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको भी दिमाग पता है रीजनिंग क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और हम लोग की स्ट्रेटजी क्या है, किस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी इसी चीज पर है कि भाई आप जो है क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपका बढ़े, ठीक है ना, क्वेश्चन भी आपके होते जाएं और आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता जाए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और आपका 16th नंबर प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर ये किस टॉपिक से लिया गया है इसकी बात हम करेंगे। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। और क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में या केवल हिंदी में, नहीं, दोनों लैंग्वेज में, ताकि ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो ना इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत हो। तो आप देखो यहां पर कह रहा है कि भाई 6 का रिलेशन 2 से है, तो फिर उसी प्रकार से 8 का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका एनालॉगी टॉपिक से, है ना। किस टॉपिक से पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका एनालॉगी टॉपिक से, एनालॉगी, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण, एनालॉगी टेस्ट, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। इसको हम तीन टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका वर्ड एनालॉजी, दूसरा आपका होता है नंबर एनालॉगी, और तीसरा है आपका अल्फाबेट एनालॉगी, तीसरा है आपका अल्फाबेट एनालॉगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नंबर एनालॉगी से, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नंबर एनालॉगी से। एनालॉगी का मतलब होता है जैसे आप समझो कि एक आपके पास तराजू है, तराजू के दो पलड़े हैं, अब दोनों पलड़े जो है बराबर होने चाहिए, जितना वजन आपके लेफ्ट पलड़े में हो उतना ही राइट में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर यह है कि जो रिलेशन 6 का 2 से है, जो कॉन्सेप्ट इधर लगेगा सेम वही कॉन्सेप्ट आपको इधर लगाना है, अर्थात जिस प्रकार से 6 से 2 आया है उसी प्रकार से 8 से क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा कि 7 आएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं 6 से 2 लाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक वही सही होगा जिसके अकॉर्डिंग जो आप आंसर निकालेंगे तो यहां पर ऑप्शन में होना चाहिए। जैसे सबसे पहला लॉजिक क्या हो सकता है कि हमने देखो 6 में जो है 6 से हमें क्या लाना है, 2 लाना है, तो आपने कहा सिंपल सा 6 में माइनस का 4 कर दीजिए, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने कहा कि 8 में अगर आप माइनस का 4 करते हैं तो 4 आएगा, क्या ऑप्शन में कहीं भी 4 दिया गया है क्या। मैंने शुरुआत में आपसे बात कही कि दोनों तरफ सेम लॉजिक लगना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक आप इधर लगाएंगे सेम वही इधर लगाना है, ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये तो ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो फिर ये लॉजिक सही नहीं है। और क्या हो सकता है 6 से 2 लाने का, आपने कहा 6 से 2 लाने का तरीका ये भी हो सकता है भाई 6 का हाफ कर लो, 6 का 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में माइनस का 1 कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। देखो 6 से 2 ये यहां से भी आ गया। अब जरा सेम यही मेथड आप 8 में लगाएं, तो सबसे पहले 8 का क्या करेंगे, 1/2 अर्थात हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 क्या ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है।
तो यहां पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, जो आया उसमें माइनस का वन कर दिया, टू आ गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ एट का हाफ कर दिया, जो आया उसमें माइनस का वन के क्या आ गया, थ्री आ गया, और थ्री आपके ऑप्शन में दिया गया, इसलिए आपका लॉजिक सही है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सिक्स का पहले हम क्या कर लें, सिक्स में जो है सिक्स का क्या कर दें, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक तरीका और, सिक्स माइनस टू कर लें, सिक्स माइनस टू कर लें, ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं कि सिक्स में माइनस का टू कर दें फोर आ जाएगा, फोर का अगर हाफ करेंगे तो आपका टू आ जाएगा, तो एट में माइनस टू करें तो कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, और सिक्स का अगर हाफ करें तो थ्री आ जाएगा। देखो इस लॉजिक से भी आपका थ्री आ रहा है, तो जो है आपका ये लॉजिक भी सही है, और ये लॉजिक वो भी गलत नहीं था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था माइनस का फोर, लेकिन उस लॉजिक से जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में नहीं था। तो ये क्वेश्चन को आप कई लॉजिक से लगा सकते हैं, ठीक है ना, लॉजिक आपका वही सही माना जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन में आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। अब आपको यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है वर्ड एनालॉजी से, किससे पूछा गया है, वर्ड एनालॉजी से, अर्थात शब्द सादृश्यता से। तो यहां पर आपको देखना है कि जो रिलेशन डॉग का बार्क से है वही गोट का किससे होगा, भाई जो रिलेशन डॉग का बार्क से वही गोट का किससे होगा, ब्लीड से होगा, हॉल से होगा, ग्रेंट से होगा कि ब्रे से होगा, ठीक है ना। कुत्ता का भौंकना तो बकरी का क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने कहा भाई कुत्ते जो आवाज निकालते हैं उसको भौंकना कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से कुत्ते जो आवाज निकालते हैं, ठीक है ना, तो डॉग जो है भौंकते हैं, अर्थात डॉग जो आवाज निकालते हैं वो बार्क है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम गोट की बात करें तो गोट जो आवाज निकालती है उसको ब्लीड कहते हैं, मिमियाना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मिमियाना या मिमियाहट, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से कुत्ते जो आवाज निकालते हैं, डॉग बार्क करते हैं, ठीक है ना, भौंकते हैं, तो जो गोट है वो आपका जो है ब्लीड करती है, अर्थात मिमियाहट की आवाज निकालती है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, जिसे हम जो है सिलॉगिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना, और स्टेटमेंट कंक्लूजन के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखो यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए कथन को सत्य माने और तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट है फर्स्ट की ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। दूसरा है सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, कुछ डॉक्टर अभिनेता हैं। अब देखिए कंक्लूजन दिया गया आपका पहला कि सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर्स, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और अभिनेता भी। दूसरा कह रहा है कि ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, सभी अभिनेता डॉक्टर हैं। अब जो आपको आंसर देना है ना वो ए बी सी डी में देना है, आपको जो आंसर देना किस में देना है, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देना है। ए कब देना है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यदि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर ए दीजिए। ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, यदि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता तो आंसर बी दीजिए। सी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो आंसर सी दीजिए। और नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर जो है डी दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे जो आपको आंसर देना है वो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देना है।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डायग्राम को बना करके, और जो डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखो शुरुआत में आपको बता दिया गया कि जो स्टेटमेंट कहेगा उसको आपको ट्रू मानना है, उसको आपको सत्य मानना है, उसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना कि ऐसा क्यों वैसा को, कुछ भी नहीं। जो कह रहा है वही आपको मानना है। उसने कहा सम कैट आर रेड, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ठीक है ना। तो जो स्टेटमेंट कहेगा उसको आपको ट्रू मान करके चलना है, उसके साथ कोई भी बहसबाजी नहीं करनी, क्लियर है। जो भी कहे उसको आपको जो है क्या मानना है, सही मानना है, 100% सही मानना है, ठीक है ना। और जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी आपका 100% सही होना चाहिए, 50% के यहां कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। जो चीज हो 100% होनी चाहिए तो ही मान्य है, अदरवाइज वो मान्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है ना वो आपका इसका राजा है, वो किंग है, जो कहेगा वो बात आपको माननी पड़ेगी। अब जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई डायग्राम हम बनाएंगे कैसे। तो यहां पर देखो तीन वर्ड आपके मेन लिए होते हैं, एक आपका सम जिसे हम बोलते हैं कुछ, एक आपका ऑल अर्थात सभी, और एक आपका नो अर्थात कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर नो एनी अर्थात कोई नहीं, ठीक है ना। अब जैसे स्टेटमेंट के थ्रू हम समझते हैं, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया और स्टेटमेंट कह रहा है सम कैट आर रेड, सम कैट आर रेड, ठीक है ना, ये आपसे कहा गया। तो इसके लिए डायग्राम का क्या बनेगा, इसके लिए जो है सम के लिए आप डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे, सम कैट आर रेड, ये देखो कैट का सर्कल हो गया, रेड का सर्कल हो गया, तो ये कैट का सर्कल हो गया, ये रेड का सर्कल हो गया। सम की बात है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो यहां पर देखो ये कुछ वाला आप जो पार्ट है दोनों में क्या कॉमन है, ये आपका जो है बिल्ली और चूहे दोनों में कॉमन है। सम कैट आर रेट, तो सम रेट आर कैट, ये आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन होगा भाई। कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली कुत्ते हैं चूहे हैं सॉरी कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ चूहे बिल्ली हैं। तो जितनी जानकारी स्टेटमेंट में दी गई है वो आपके लिए 100% सही है, और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है वो आपके लिए क्या है, 100% नहीं है। वो आपके लिए ऐसा हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी में 100% होगा, लेकिन अगर हम विदाउट पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो 100% सही नहीं होगा, क्लियर है। अब जरा इसी में बात करते, कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा दिया होता, अगर यही स्टेटमेंट आपको ऐसा दिया होता कि ऑल कैट आर रेड, ऑल कैट आर रेड, ऑल कैट आर रेड, तो किस प्रकार से डायग्राम बनता। देखो ये हो गया कैट का सर्कल और ये हो गया रेड का सर्कल, सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। अब आप इस प्रकार समझो कि कैट वाला सर्कल छोटा सर्कल हो गया और रेड का सर्कल बड़ा सर्कल हो गया, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो छोटा सर्कल है वह बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है। अगर ऐसा डायग्राम बनाए और उससे मैं कहूं कि सम कैट आर रेड तो भी सही होगा एज ए कंक्लूजन, और ऑल कैट आर रेड तो ही तो सही है ही, लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है छोटे सर्कल में सम आता है लेकिन ऑल पार्ट नहीं आता। अगर मैं कहूं कि ऑल रेड आर कैट ये रॉन्ग है, लेकिन मैं कहूं कि सम रेड आर कैट ये सही है, क्लियर है। तो छोटा सर्कल बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है, लेकिन जो बड़ा सर्कल है छोटे सर्कल में केवल सम पार्ट आता है, ऑल नहीं आता, क्लियर है। और तीसरी हम बात करते हैं कि अगर नो एनी की बात हो जाए और यहां पर बात हो कि नो कैट आर रेड, नो कैट आर रेड, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, देखो ये हो गया कैट का सर्कल और ये हो गया आपके रेड का सर्कल, नो कैट आर रेड, कोई भी चूहा कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, नो कैट आर रेड। तो जब नो कैट आर रेड तो नो रेड आर कैट, भाई कोई बिल्ली चूहा नहीं तो कोई चूहा बिल्ली नहीं है, क्लियर है। तो सम के लिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ऑल के लिए इस प्रकार से, और आपका जो है नो के लिए इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना।
किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। तो आपने यहां पे बना दिया भाई, यहां बना दिया और ये प्लेयर हो गया, ये है आपका प्लेयर, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर का सर्कल। ठीक है, अब क्या क्या दूसरा, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, देखो ये हो जाएगा आपका एक्टर, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स। ठीक है ना, तो देखो प्लेयर किसके अंतर्गत है, प्लेयर जो है वो रह रहा है किसके घर में, डॉक्टर के घर में, और जो है डॉक्टर थोड़ा बहुत किसके बारे में जानता है, कुछ बहुत किसके बारे में जानता है, एक्टर्स के बारे में। लेकिन अगर आप बात करें कि प्लेयर और एक्टर में कोई रिलेशन है, इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई कि भाई इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है भी कि नहीं भी है। ठीक है ना, केवल किसके रिलेशन के बारे में जानकारी है कि सभी प्लेयर डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर एक्टर हैं। क्लियर है, चलो अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। देखिए पहला कंक्लूजन क्या दिया, दो कंक्लूजन आपको दिए गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है आपका, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर्स, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और अभिनेता भी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपको मैंने शुरुआत में बताया है कि अगर इस प्रकार से डायग्राम बनता है और आप जो है जो बड़ा सर्कल होता है छोटे सर्कल में कुछ पार्ट आता है, तो अगर मैं बात करूं कि सम डॉक्टर आर प्लेयर बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर यही बात होती कि ऑल डॉक्टर आर प्लेयर, ये गलत होगा। अब देखो भाई डॉक्टर का जो है रिलेशन किससे है, प्लेयर से है कुछ का, ठीक है ना, और अभिनेता से भी तो है, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है कि ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, और यहां पे देखो कंक्लूजन कि सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और अभिनेता भी हैं। तो आपने कहा कि भाई देखो इन दोनों में कॉमन देखना है कि जो खिलाड़ी और अभिनेता दोनों हों, जो खिलाड़ी और अभिनेता दोनों हों। ध्यान से आंसर दीजिएगा, देखो भाई डॉक्टर का कुछ पार्ट आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपका प्लेयर के अंतर्गत। लेकिन देखो भाई ये तो क्लियर है कि भाई डॉक्टर का कुछ पार्ट किसमें आएगा, प्लेयर में, लेकिन प्लेयर का रिलेशन एक्टर से नहीं है, प्लेयर का रिलेशन एक्टर से नहीं है, और इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी स्टेटमेंट भी नहीं दी गई, इसलिए आपका भाई पहला गलत, इसलिए पहला गलत, चूंकि गलती से भी उसको सही मत कर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि हाँ भाई डॉक्टर का भाई कुछ पार्ट प्लेयर में आएगा, क्योंकि आपको पता है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल गलत होता है, सर ने बताया है बिल्कुल बात भी सही है। जब आप बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका सम भी सही होता है और ऑल भी सही होता है। अब आपने कहा कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ एक्टर भी हैं, यही तो कह रहा है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आप देखो क्या एक्टर और प्लेयर में कोई रिलेशन है क्या, हो सकता है बात अलग है लेकिन है तो नहीं ना, है तो नहीं, क्योंकि इनके रिलेशन के बारे में हमको स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए पहला आपका गलत हो गया, क्योंकि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तो हैं लेकिन खिलाड़ी के साथ साथ अभिनेता नहीं है। ठीक है ना, हाँ ये बात अलग है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं और कुछ डॉक्टर अभिनेता हैं, लेकिन खिलाड़ी के साथ साथ अभिनेता नहीं है, इसलिए पहला आपका गलत। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर, नहीं ये भी गलत है, ये तो सम की बात है, देखो सम एक्टर्स आर डॉक्टर, कुछ जो है अभिनेता डॉक्टर हैं, ठीक है ना, सभी नहीं है, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकेंड फॉलोज, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों के दोनों क्या आपके गलत है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है पहले रीड करते हैं, देखिए किस टॉपिक से पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका जो है, क्वेश्चन है कि काम्या ड्रॉव हर कार फॉर 4 किलोमीटर इन ईस्ट, सी देन टर्न इन साउथ वेस्ट एंड ड्रॉव
फॉर 5 किलोमीटर, सी देन टर्न इन ईस्ट एंड ड्रॉप फॉर 4 किलोमीटर, सी अगेन टर्न इन नॉर्थ वेस्ट एंड ड्रॉप फॉर 5 किलोमीटर, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कामयाज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन वॉच। काम्या अपनी कार को पूरब में 4 किलोमीटर तक चलाती है, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, वह फिर से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। काम्या की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी थी? 9 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की नवधि। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया डायरेक्शन टेस्ट से। किस टॉपिक से पूछा गया? डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया, दिशा परीक्षण से। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में सबको पता है कि भाई 4 डायरेक्शन आपके मेन होते हैं, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन हम रीजनिंग में टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं, 4 आपकी मेन डायरेक्शन, 4 उनकी मिडिल डायरेक्शन। अगर हम इनको ड्रॉ करते कुछ प्रकार देखो बनती है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बनेंगी, ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन है, ये सेंटर पॉइंट के द्वारा ये 4 डायरेक्शन आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये है आपकी ईस्ट, ये आपकी ईस्ट, ये हो जाएगी आपकी वेस्ट, ठीक है ना। ऊपर की तरफ होगी आपकी नॉर्थ, ये हो जाएगी नॉर्थ, और नीचे की तरफ हो जाएगी आपकी साउथ, नीचे की तरफ हो जाएगी आपकी साउथ, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो है सेंटर पॉइंट के द्वारा ये चारों डायरेक्शन आपस में कनेक्टेड हैं, यदि किसी भी एक डायरेक्शन को आप मूव करा देते हैं तो बाकी डायरेक्शन अपने आप मूव कर जाती है, उनको आपको मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब जरा दो चीज़ समझ लो, इनके बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, यह पूरा एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये अगर मैं बात करूं कि ये पूरा जो सर्कल है वो आपका होता है 360 डिग्री का, पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। अब देखो 4 तो ये मेन डायरेक्शन हो गई, इनके बीच का ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब देखो 4 आपकी इसकी मिडिल डायरेक्शन है, 2 मिडिल डायरेक्शन ये हो जाएंगे, ठीक है ना, और 2 मिडिल डायरेक्शन ये हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री को जो मिडिल डायरेक्शन है ये 90 डिग्री को 45-45 में डिवाइड कर देगी, क्लियर है। देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट, और इनके बीच का जो ये एंगल है ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आपके डायरेक्शन में 2 फॉर्म में एंगल होते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री, क्लियर है। उनसे आप 135 बना सकते हैं, 170 आपका जो है 180 बना सकते हैं, 225 बना सकते हैं, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर एक बात हम और कर लेते हैं, डायरेक्शन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लेफ्ट राइट का, कि सर लेफ्ट कैसे लेंगे राइट कैसे लेंगे, तो बस आप यहाँ पर अपने दिमाग में एक घड़ी बनाकर चलिए। अब अगर घड़ी इस प्रकार से, देखो ये घड़ी का मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है और ये घड़ी का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। तो जब घड़ी क्लॉकवाइज चलती है तो हमेशा व्यक्ति का हम क्या लेते हैं राइट लेते हैं, व्यक्ति का क्या लेते हैं राइट लेते हैं, और जब घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलती है ACW तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं लेफ्ट लेते हैं। तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमेशा राइट लेंगे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप लेफ्ट लेंगे। जैसे आप ईस्ट में हैं, मैं इस प्रकार से चेहरा करके खड़ा हूँ ईस्ट में, और अगर मैं क्लॉकवाइज मुड़ूंगा तो कहाँ मुड़ूंगा, नीचे की तरफ, तो मेरा चेहरा हो जाएगा जो है कहाँ, साउथ में। तो जो है ईस्ट में, अगर आपका चेहरा ईस्ट में है और आप राइट टर्न लेते हैं तो अब आप साउथ में चलने लगेंगे, अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप कहाँ चलने लगेंगे जो है नॉर्थ में। इसी प्रकार से अगर आप साउथ में हैं राइट टर्न लेंगे तो वेस्ट में, लेफ्ट टर्न लेंगे तो ईस्ट में, साउथ वेस्ट में है राइट टर्न में नॉर्थ, लेफ्ट टर्न में साउथ, आप नॉर्थ में हैं तो राइट टर्न में ईस्ट और लेफ्ट टर्न में आपका हो जाएगा वेस्ट, क्लियर है। यही आपका क्लॉक वाइज सभी डायरेक्शन में यही लगेगा, चाहे मिडिल हो चाहे जो भी है, मिडिल डायरेक्शन में भी आपका क्लॉक वाइज में राइट और एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट होगा, क्लियर इतनी बात। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के थ्रू हम बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, क्वेश्चन के थ्रू हम बनाते हैं। देखो डायग्राम, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि काम्या ड्रॉप हर कार फॉर 4 किलोमीटर इन ईस्ट। तो जो आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे आप जो है सेंटर पॉइंट से,
कहां से बनाएंगे? सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट हो गया काम्या ईस्ट। अब देखो ईस्ट कहां? इधर की तरफ होता है, और कितनी दूरी चलती है? 4 किलोमीटर। दूरी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यहां पे आपने 4 किलोमीटर एक बना दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ी। अब देखो यहां से उसको मुड़ना है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था यहां से मैं साउथ वेस्ट कैसे उसको टर्न कराऊंगा, तो आप क्या करो यहां पर 4 की 4 डायरेक्शन बना लो। देखो ये आपकी 4 डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट है, इधर की तरफ पीछे की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब यहां से उसको साउथ वेस्ट में मुड़ना है, और दूरी जो चलना है वो चलना है 5 किलोमीटर। तो आपने कहा अब ये यहां से देखो ये होगा जो है आपका जो है साउथ वेस्ट, तो यहां से ये आपकी ये टर्न लेगा ये वाला, और जो ये दूरी है वो कितनी है आपकी 5 किलोमीटर, ये दूरी है 5 किलोमीटर, क्लियर है। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। अब यहां से फिर से वो किधर मुड़ेगी? तो आपने कहा अब मुड़ेगी जो है वह ईस्ट में, तो यहां से मुड़ेगी वह ईस्ट में। तो देखो भाई अब यहां पर अगर आगे खड़ी होगी, ईस्ट क्या है? इधर की तरफ। देखो आपने 4 डायरेक्शन बनाए, यहां इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। और दूरी कितना चलना है उसको? तो दूरी चलना है उसको 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो यहां पे बिल्कुल बराबर में आएगी, ठीक है ना। यहां बिल्कुल इसको और इधर बना लो, यहां पे जब ये जो है यहां पे देखो यहां पे आके यहां पे खड़ी होगी, ठीक है ना। और यहां से जब ये ईस्ट में मुड़ेगी तो जो है ये यहां से ये बिल्कुल बराबर में इसके आएगी, बिल्कुल बराबर में, क्योंकि भाई ये भी दूरी 4 किलोमीटर की है, ऊपर की दूरी भी 4 किलोमीटर की है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सी अगेन टर्न इन नॉर्थ वेस्ट। अब उसको मुड़ना है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। तो फिर से मैंने यहां पे क्या किया, 4 डायरेक्शन इस प्रकार से ड्रॉ किए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। साउथ नॉर्थ वेस्ट ये होगा, और जो दूरी चलना है वो चलना उसको 5 किलोमीटर। तो देखो यहां से ये फिर से जो है 5 किलोमीटर इस प्रकार से टर्न करेगा, और ये बिल्कुल जाके यहीं पे जाके मिल जाएगा, ये जाके जो है यहां पे आके मिल जाएगा। इस लाइन को सही से ड्रॉ कर लो, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे आके खड़ा होगा, ठीक है ना। ये दूरी है 5 किलोमीटर, और जब यहां से ये टर्न करेगा क्या नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। तो ये यहां से ऐसे आएगा, देखो ये जाके बिल्कुल आपका जो है इसी में जाके यहां पे मिल जाएगा, क्लियर है। तो अब कह रहा है कि मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, काम्या की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी थी? तो देखो जहां से जो है काम्या ने अपनी जो है जर्नी को स्टार्ट किया था, लौट करके फिर से वो वहीं पर आ गई। चूंकि भाई देखो अगर मान के चलो कि ये कोई एक पॉइंट मान लो, आप ए मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं, अगर उसने ए से स्टार्ट किया तो फिर कहां पर आ गई? ए पर आ गई। तो उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, उसका जो है इनिशियल पॉइंट भी यही है, और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जो है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 किलोमीटर की होगी, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है वो 0 किलोमीटर की होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं भाई? यहां से उसने चलना शुरू किया था, और जब आपने डायग्राम बनाया देखो फिर से लौट के वापस उसी जगह पर आ गई। तो जहां से उसने चलना शुरू किया था वापस वहीं पर वो आ गई, तो भाई जो आप उसका इनिशियल जो पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 0 किलोमीटर की है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है आपका जो है कह रहा है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन ए इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 5th फ्रॉम राइट। व्हेन ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन ए विल बी 18th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट विल बी बीच पोजीशन फ्रॉम द राइट। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर और बी दाएं से 5वें स्थान पर है। जब ए और बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 18वां होगा, दाएं से बी का स्थान क्या होगा? 14th होगा, 9th होगा, 5th होगा कि 18th होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रैंकिंग टेस्ट से। किस टॉपिक से? रैंकिंग टेस्ट से पूछा गया है, ठीक है ना। रैंकिंग टेस्ट से अर्थात क्रम परीक्षा, क्रम परीक्षा, ठीक है ना।
आपको रैंकिंग टेस्ट में पता है कि अगर सिंगल व्यक्ति की बात होती है एक पंक्ति में, रो में, तो वहां पे हम फार्मूला लगाते हैं एन इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस का वन। एन क्या है? एन आपका रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, एल रिप्रेजेंट करता है प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एंड, और आर रिप्रेजेंट करता है प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एंड। अब यहां पे अगर हम देखें, देखो जो आपकी रो है, जो आपकी रो है जहां से आप ड्रॉ करना उसको शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड, उसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड, और जहां पर यह रो खत्म होती है इसको कहा जाता है राइट, इसको कहा जाता है राइट। इतनी बात क्लियर है? हम इसको टॉप और इसको बॉटम भी कहते हैं, हम इसको जो है बिगिनिंग और इसको जो है एंड भी कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, कह रहा है कि भाई बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से, बाएं से मतलब कहां से? जहां लेफ्ट एंड से, ठीक है ना। तो देखो ए जो है वह लेफ्ट से कितना है? नाइन्थ है, और जो बी है वो राइट से कितना है? फिफ्थ है। तो पंक्ति जो है जहां से शुरू हुई वहां से ए का जो स्थान है, ए का जो स्थान है वो नाइन्थ है, और जहां पे पंक्ति खत्म हुई, जहां पर पंक्ति खत्म हुई वहां से बी का स्थान फिफ्थ है। अब एक चीज जरा दिमाग से सोचिएगा, अब यहां पर आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते कि एन इक्वल टू एल प्लस आर माइनस का वन, क्योंकि यहां पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहां पर दो व्यक्ति की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपका इंटरचेंज द पोजिशन इससे पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसमें हम कैसे करते हैं, यहां पे फॉर्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट जो है आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको इस प्रकार से करना है। कैसे, जरा मेरी बात समझना। देखो लास्ट से बी कितना है? फिफ्थ। बी के जो है बैक में कितने बच्चे हैं? आपने कहा चार। बी के बैक में कितने बच्चे हैं? पीछे कितने बच्चे हैं? चार। अच्छा, शुरुआत से ए का स्थान कितना है? नाइन। ए के पीछे कितने बच्चे हैं? आपने कहा एट। अब अगर ये पूरी की पूरी जो गैप, अगर ये मुझे पता चल जाए, ये जो गैप है अगर ये भर जाए, तो मैं इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे बता सकता हूं। अगर इतनी ही बात कहकर मुझसे पूछा जाए कि इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, मैं कहता हूं कांट से, मैं नहीं कह सकता कितने बच्चे होंगे, क्यों? क्योंकि ये गैप नहीं भरा। अब आगे देखो, बात हो रही इंटरचेंज, पोजीशन को इंटरचेंज करने की। जब भी पोजीशन इंटरचेंज से क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति का एक ही तरफ से दो बार स्थान दिया जाता है। यहां पर देखो, जब दोनों आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ए और बी जब आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो ए बाएं से 18वां होगा, अर्थात जब ए जो है बी के, अब देखो इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज का मतलब ये ए आगे बढ़ा और ये पहुंच गया कहां पर, ये पहुंच गया बी के जगह, ये पहुंच गया बी के जगह, और जो इसका स्थान है अब हो गया 18th। पहले कितना था? 9th, अब कितना हो गया? 18th। आगे बढ़ाना, कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ? आपने कहा ये प्लस हुआ 9, कितना प्लस हुआ? तो आपने कहा 9 प्लस हुआ, भाई 9 और 9 कितना हो गया? 18। तो जिस प्रकार से ए पहुंचा है बी के स्थान पर, तो इसी प्रकार से जो बी है वो पहुंचेगा कहां पर? ए के स्थान पर। वो यहां पर आ जाएगा, भाई इंटरचेंज तभी तो होगा कि ए पहुंच गया यहां तो बी आ जाएगा यहां। तो जितने जितना प्लस ए का हुआ है, ठीक है ना, उतना ही प्लस किसका होगा? बी का। उतना ही प्लस बी का होगा, तो बी के स्थान में भी तो 9 प्लस होगा, तो बी जब जो है इधर से आगे बढ़ेगा तो बी हो जाएगा 14th नंबर पे, बी हो जाएगा 14th। भाई 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 14th। तो अगर मैं बात करूं कि बीच पोजीशन फ्रॉम द राइट, अगर मैं बात करूं कि बीच पोजीशन पोजीशन फ्रॉम राइट तो ये हो जाएगी आपकी 14, ये हो जाएगी 14, आ जाएगा आपका 5 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर आप स्टूडेंट आपसे पूछे जाएंगे, तो देखो ये वाला गैप भर गया ना, और ए पहुंच गया कहां? बी के स्थान पे, और जब ए जो है बी के स्थान पे तो 18वें नंबर पे हो गया, और बी के पीछे चार लड़के और हैं, तो 18 प्लस 4 हो जाएगा आपका 22। टोटल नंबर आप स्टूडेंट हैं इसमें 22। अगर बात करें कि ए और बी के बीच में मिडिल के बीच में कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे जितना प्लस हुआ है उतने में एक माइनस कर दीजिए। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपसे मिडिल पूछा जाता है, तो जितना देखो इसमें प्लस हो रहा है उसमें एक माइनस कर दो। जैसे यहां पे 9 प्लस हुआ है ना, तो 9 माइनस 1 कर दो, इनके बीच में 8 छात्र हैं, टोटल आपके 22 छात्र हैं, और जो आपका बी का पोजीशन है राइट साइड से वो आपका 14th है।
क्लियर है। तो हमसे बी का पोजीशन पूछा गया, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो है ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो यहां पे आपको जो है सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। सीरीज जो है ये अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बी, फिर आपका सी, फिर ई, फिर जी, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा कि एच आएगा। तो देखो जैसे ही बात यहां पे अल्फाबेट की आती है, जैसे हम सबसे पहले अगर सीरीज की बात करें, बाद में अल्फाबेट की बात कर लेंगे। अभी सीरीज दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक नंबर सीरीज, एक नंबर सीरीज और एक अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ओके, अल्फाबेट सीरीज की अगर हम बात करें तो अल्फाबेट में भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, कैपिटल लेटर सीरीज, एक स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज को हम रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, उसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। जो स्मॉल लेटर की सीरीज आती है उसमें हम अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करते, लेकिन जब कैपिटल लेटर से रिलेटेड सीरीज आती है उसमें हम अल्फाबेट के कोड के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। अब ये अल्फाबेट का कोड कैसे हमको लर्न होगा, तो भाई आपको अल्फाबेट तो पता ही कि ए टू जेड होते हैं। तो ए टू जेड, अब ए की शुरुआत कहां से होती है, वन से, जेड कहां पे होता है आपका 26 पे। तो 1 to 26 आपको उनके प्लेस वैल्यू अर्थात उनका कोड भी याद करना होगा। वो कैसे याद होगा, एक से दो बार आप दिन भर में पढ़ें, आपको 100% सारे कोड याद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ पढ़िए, एक बार खुद से पढ़िए, सारे के सारे कोड याद होंगे। जैसे अगर हम कोड की बात करें तो पहले ए, देखो फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये तो सभी को आता है भाई, सारे अल्फाबेट सबको मालूम है कि फिर जे आएगा, फिर के आएगा, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू, फिर आपका आर, फिर एस, फिर क्या आएगा आपका टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और लास्ट में होगा जेड। अब देखो जरा, ए का पोजीशन 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, फिर आपका देखो यहाँ पे जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, फिर आपका है टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। क्लियर है। तो ये जो है इसकी पोजीशन है। अब ये जो पोजीशन है वो कहां से स्टार्ट होती है, आपकी ए से, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में तो आप काउंट कर लेंगे, आप याद रखेंगे, आपको रेंडमली भी याद रखना है। अगर कोई कहता है N तो 14, M आपका 13, U 21, X 24, Y 25, Q 17, G आपका 7, H आपका 8, कोई कहता है K तो K आपका 11। तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप अल्फाबेट के क्वेश्चन को इसके कोड के माध्यम से करते हैं ना, बहुत आसानी से आपको जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब कुछ फॉर्मूले भी होते हैं कोड को निकालने के लिए, लेकिन फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है ना भाई। लिखने की भी झंझट खत्म, और जब आपको पता कि भाई मुझे मालूम है कि इसका कोड क्या है, तो लिखने वाली कोई बात ही नहीं है, ना निकालने वाली कोई बात है, ठीक है ना। निकालने वाली भी झंझट खत्म और लिखने वाली भी झंझट खत्म, आप डायरेक्ट कोड बता सकते हैं कि हाँ इसका कोड ये होगा। तो कोड याद कर लो, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब देखिए आते हैं कोड के माध्यम से कैसे आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पर दिया गया आपका बी, यहां पे दिया गया है बी, फिर दिया गया है सी, फिर दिया गया है ई और फिर दिया गया है आपका जी। अब देखो इसको अगर हम कोड की बात करते हैं तो बी का कोड हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 5 और जी का हो जाएगा 7। अब सीरीज का मतलब है कि एक पैटर्न फॉलो होगा, एक यहां पे जो है रूल फॉलो होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आगे क्या आएगा, आप खुद बताएंगे यहां यहां पर ये होगा, एक रूल आना चाहिए। जैसे अगर हम यहां पे इनके डिफरेंस की बात करें, इनके कोड के बीच की बात करें, तो 2 के बाद 3 है, आपने कहा एक काम करें 2 में प्लस का 1 कर दें 3 हो जाएगा,
थ्री प्लस का आपका टू है तो फाइव हो जाएगा, फाइव प्लस का आपका फिर से टू हो गया। तो देखो यहां पे सीरीज गड़बड़ होगी भाई, अगर प्लस का वन प्लस का टू, अगर यहां पे प्लस का थ्री होता तो आप कहते आगे प्लस का फोर हो जाएगा, तो बात तो यहां से नहीं बनी। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं, तो आपने कहा कि यहां पर जो ये अल्फाबेट लिए गए हैं अगर इनके कोड को हम देखें, देखो टू भी आपका प्राइम नंबर है, थ्री भी आपका प्राइम नंबर है, फाइव भी आपका प्राइम नंबर है, सेवन भी आपका प्राइम नंबर है, तो अब अगला प्राइम नंबर क्या होगा, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो आपने कहा नाइन तो नहीं होगा, क्या होगा इलेवन होगा। तो यहां पे इलेवन किसका कोड होता है, के का, तो यहां पे आपका इलेवन आ जाएगा, ये के आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आई कि नहीं भाई? पहले हमने इनके बीच का डिफरेंस देखा, लेकिन यहां पे प्लस का वन हो रहा है, यहां प्लस का टू, यहां प्लस का टू, अब आगे हम क्या करें, प्लस का वन करें कि प्लस का टू करें, नहीं क्लियर हो रहा। तो फिर हमने यहां पे क्या देखा कि भाई देखो टू भी प्राइम नंबर, थ्री भी प्राइम, फाइव भी प्राइम, सेवन भी, अब सेवन का कौन सा प्राइम नंबर आएगा आपका इलेवन, तो इलेवन किसका कोड होता है, के का, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, के आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ आर ई एन टी इज कोडेड एज एस जी क्यू एक्स देन हाउ विल हाउस एच ओ यू एस ई बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। यदि रेंट को एस जी क्यू एक्स के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में हाउस को कैसे कोडित किया जाएगा, कौन सा आपका ए बी सी डी चारों में सही आंसर होगा। तो अब यहां पर जरा एक चीज समझिए, अभी बात अल्फाबेट की हुई, तो मैंने कहा अल्फाबेट के कोड के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर से बात अल्फाबेट की हो रही है तो अल्फाबेट के कोड के माध्यम से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां से क्या है आपको मेथड निकालना है कि रेंट को कैसे डिकोड किया गया है जो है एस जी क्यू एक्स के रूप में, और जो मेथड निकलेगा सेम वही आप हाउस में लगा देंगे। तो अभी मैंने आपको सारे अल्फाबेट के कोड बताए कि भाई ए वन बी टू सी थ्री डी फोर ई फाइव और आपका जो है एफ सिक्स जी सेवन एच एट आई नाइन जे टेन के इलेवन एल ट्वेल्व एम थर्टीन एन फोर्टीन ओ फिफ्टीन पी सिक्सटीन क्यू सेवनटीन आर एटीन एस नाइनटीन टी ट्वेंटी यू ट्वेंटी वन बी ट्वेंटी टू और आपका जो है डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री एक्स ट्वेंटी फोर वाई ट्वेंटी फाइव जेड ट्वेंटी सिक्स। आप कहेंगे सर इस प्रकार से पढ़ना बहुत आसान है, आप एक से दो बार पढ़ तो लीजिए दिन भर में, अपने आप सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। अब देखो यहां पर जो है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रेंट को किस प्रकार से यहां पे इसमें डिकोड किया गया, यहां से मेथड निकालेंगे और मेथड किसके आधार पर निकालेंगे अल्फाबेट के कोड के माध्यम से। देखो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं, इस प्रकार से लिखना है आपको कैसे, तो आपने पहले रेंट लिखा आर ई एन टी, इस प्रकार से लिख लिया, हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिखिए एस जी क्यू एंड एक्स। अब इनके जरा कोड लिख लीजिए, देखिए आर का 18 है, ई का 5, एन 14 और टी 20, ठीक है, एस 19, जी 7, क्यू 17 एंड एक्स 24। अब इसके बीच जो मेथड निकलेगा ना उसमें एक सीक्वेंस बनेगा, उसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना, और वही आपको सेम पैटर्न हाउस में अप्लाई करना है। जरा देखो यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब रेंट को इसमें डिकोड किया गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। अगर यहां से जो है पैटर्न नहीं मिलता तो फिर हम देखते हैं फर्स्ट का जो है लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, अगर वहां से भी पैटर्न नहीं मिलता फिर हम तीसरा रूल लगाते हैं जो कि ग्रुप बना करके जो है दो लोगों को ग्रुप में बांट करके और फिर वहां पर पैटर्न देखते हैं। ये कुछ रूल हैं जिनको आपको जो है स्टेप बाय चलना है आपको, लेकिन सबसे पहले देखना है कि आपका जो है फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, इसलिए जैसे ही आप कोड लिखते हैं ना सारी की सारी चीजें आपके इसमें क्लियर हो जाती हैं कि यहां पर देखो 18 के नीचे क्या लिखा है 19, आपने कहा कुछ नहीं करना सर प्लस का वन कर दे, 5 के नीचे क्या लिखा है 7 प्लस का टू कर दे, 14 के नीचे 17 प्लस का तीन कर दे, तो यहां पर 20 के नीचे 24 यहां पर प्लस का चार कर दे। अब देखो अगर आगे अल्फाबेट आएगा तो प्लस का क्या होगा 5 होगा, उसके आगे आएगा तो क्या होगा प्लस का 6 होगा, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर जो है आपको पूछा गया हाउस एच ओ यू एस ई, तो आपने कहा एच का कोड कितना है 8, ये है आपका 15, यू 21, ये एस 19 ई 5, देखो जरा
प्लस का 1 तो 8, 1 9 आ जाएगा आपका आई, प्लस का 2 15, प्लस 2 17 तो आ जाएगा आपका क्यू, प्लस का 3 तो ये आ जाएगा 24 तो आ जाएगा आपका एक्स, यहाँ पे 5 तो 4 आ जाएगा, 19 प्लस 4 आपका 23, 19 प्लस 4 23 तो आ जाएगा W, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 तो ये आ जाएगा 10 तो आ जाएगा J। तो आंसर हो जाएगा IQXWJ पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8th नंबर का देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8th है आपका, ये क्वेश्चन आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया है? मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से। क्वेश्चन है कि इफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड लेस देन आर रिप्रेजेंटेड एज, जो है बहुत सारे सिंबल्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, जिस कुछ सिंबल्स का नाम मैं भी नहीं जानता, तो भाई आप जानते हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लेमडा है, ये आपका जो है एक स्क्वायर लिया गया है, फिर वाई लिया गया, एंड डब्ल्यू बीटा एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ए बी सी डी में यहाँ पे कौन सा आपका सही है। यहाँ पे जो ये सिंबल है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो जो आपका ये इस प्रकार से सिंबल बना है, इसके लिए किस सिंबल का प्रयोग किया गया? प्लस का, ठीक है ना। इसी प्रकार से जहाँ पे स्क्वायर है, जो स्क्वायर है इस प्रकार से, उसके लिए सिंबल का प्रयोग किया गया है, माइनस उसके लिए होगा, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पे जो है इस प्रकार से बना है वाई, इसके लिए जो है सिंबल क्या आएगा आपका, जो है मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका एन बना है, इसके लिए जो है आपका सिंबल हो जाएगा क्या, डिवीजन। फिर जो डब्लू प्रकार का सिंबल बना है, इसके लिए जो है हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है ना। और बीटा के लिए हो जाएगा आपका ग्रेटर देन, बीटा के लिए हो जाएगा आपका ग्रेटर देन, और अल्फा के लिए हो जाएगा लेस देन, ठीक है ना। बीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन, और अल्फा के लिए हो जाएगा आपका जो है, अल्फा के लिए हो जाएगा आपका लेस देन, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब इन सिंबल की जगह आपको ये सिंबल रखना है, जो यहां पर ये नंबर दिए, इस सिंबल की जगह आपको ये सिंबल रखना है, और फिर बताना है कि कौन सा इक्वेशन आपका सही है। अर्थात यहां पर भाई इक्वेशन आपका दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, जहां पे इक्वल्स लगेगा उसके उधर का आपका इक्वेशन और इधर का अगर बराबर तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो आपको ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो है सही हो जाएगा। अब जरा देखो यहां पे भाई कौन सा आपका इस आधार पे सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे जो ये सिंबल दिए इनके जगह पर जो है रख देते हैं उनके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिंबल हैं। जैसे जो यहां पे वाई प्रकार का सिंबल बना है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है आपका मल्टीप्लाई, तो कहां हो जाएगा 3 × 6। एन का मतलब क्या है, डिवाइड है, डिवाइडेड हो जाएगा 2। इसका मतलब है प्लस, प्लस का हो जाएगा 8। स्क्वायर का मतलब है माइनस का 4, यहां पे इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर इक्वल्स टू 5 इधर का आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, तो फिर आपका जो है पहला ही सही हो जाएगा। अब पहला अगर सही होगा तो फिर आपको किसी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा देखो, अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप लगाएंगे बॉडमॉस, यहां पर क्या लगाएंगे आप, बॉडमॉस, ठीक है ना। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं, बॉडमॉस मतलब पहले बी, BODMAS, तो B का मतलब हो गया पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में पहले आपका स्मॉल, फिर आपका मीडियम, फिर सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर आपका O, O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर D से डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई का अगर सिंबल लगा तो वो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा बॉर्ड माउस आपको लगाना है, जरा इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो 3 × कितना है आपका 6 डिवाइडेड 2, और फिर है प्लस का 8 माइनस का 4, कितना आ जाएगा। सबसे पहले डिवीजन करिए, तो 3 × 3 हो जाएगा, चूंकि 2 × 3 = 6, प्लस का 8 है माइनस का 4 है, तो ये 9 हो जाएगा, 9 + 8 - 4, नहीं 5 नहीं आएगा, इसलिए पहला गलत।
पहला आपका गलत है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 5 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, इसलिए पहला तो आपका गलत है। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे में जरा देखो भाई क्या आएगा, दूसरा जरा चेक कर लेते देखो क्या है। एन का मतलब क्या है आपका, आपने कहा डिवीजन है, ठीक है ना। वाई का मतलब क्या है, आपने कहा मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, प्लस, और इसका मतलब है माइनस। यहाँ पे बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है ग्रेटर देन, मतलब ये इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको चेक करो भाई, बी को जरा चेक कर लेते हैं, बी को जरा चेक कर लेते हैं क्या है, 3 / 6 मल्टीप्लाई 2, फिर है प्लस का 8 माइनस का 4। तो ये जो वैल्यू अगर वो 5 से बड़ी आती है तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरा भाई यहाँ पे आपने कहा कि 3, अब देखो अगर डिवीजन करते हैं तो 3 6 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं देखो 1/2, कितना लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, प्लस का आपका हो जाएगा 8 माइनस का 4। अब देखो जरा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 8 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 8, 1 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, तो ये तो इक्वल्स टू आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, तो फिर ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये बड़ा आना चाहिए ना, इधर की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, इसको सॉल्व करें तो आपका 5 आ रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत है। अब जरा सी को चेक कर लेते हैं, इसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपको नहीं पता ना भाई कौन सा आंसर है इसमें, तो आप जरा सी को चेक कर लेते। सी देखो क्या दिया गया है, वाई का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है माइनस, इसका मतलब क्या है आपका प्लस, ठीक है ना, एन का मतलब क्या है आपका डिवाइड, और इसका मतलब क्या है आपका लेस देन, ठीक है ना। तो अब 5 अगर बड़ा होगा इससे, देखो जरा 5 अगर बड़ा, अगर ये गलत हो गया तो फिर सी डी को हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। सी को जरा चेक कर लेते हैं क्या है आपका, 3 × 6 − 2 + 8 / 4, 5 जो है इससे बड़ा होना चाहिए। देखो जरा आपने कहा ये हो जाएगा आपका 3 × 6 − 2 प्लस का हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 − 2 + 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 18 बचेगा, तो फिर 5 जो है क्या हो गया, 5 जो है आपका बड़ा नहीं, ये आपका जो है क्या हो जाएगा 18 जो है। अब देखो यहाँ पर आपका ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब कौन सा सही होगा, डी आपका बिल्कुल सही होगा, डी आपका सही होगा, आप अब डायरेक्ट जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं भाई, नहीं आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है प्लस, इसका मतलब क्या है माइनस, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है आपका डिवाइड, ठीक है ना, और इसका मतलब है इक्वल्स टू। जरा देखो भाई चेक कर लो, तो आपने कहा कि अगर डी की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका 3 + 6 − 2 × 8 / 4 = 5 आना चाहिए। तो आपने कहा जाएगा 3 + 6 − 2 × हो जाएगा आपका 2 = 5, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 4, तो इधर देखो 5 आ जाएगा, तो ये 5 = कितना हो जाएगा आपका 5 के, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा डी भाई। जब तीसरा आपका गलत होगा तो आप डायरेक्ट जो है चौथे को टिक कर सकते हैं, क्लियर है। वो तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि सर कहीं ये भी तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई जब तीनों गलत है तो एक तो आपका सही होगा ये वो, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको ऐसे ही चेक करना है वहां पर, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो सिंबल को रखते जाइए और चेक करते जाइए, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, तार्किक वेन आरेख से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्स द रिलेशनशिप अमंग्स द गिवन 3 क्लासेस, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, क्लॉथ शर्ट्स एंड साड़ीज, कपड़े शर्ट और साड़ी। अब देखो यहां पर जो है आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको आपको इस सेट्स के माध्यम से इनके बीच के रिलेशन को दर्शाना है कि कौन सा जो डायग्राम है उनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो वर्ड दिए गए उसके रिलेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आपको उसके बारे में जो है दिमाग में सोचना पड़ेगा भाई इनके बीच रिलेशन है क्या। जैसे अगर मैं बात करूं जो है क्लॉथ शर्ट एंड साड़ी, तो भाई जो कपड़ा है, कपड़ा जो है शर्ट, कपड़े शर्ट भी कपड़े का होता है, साड़ी भी कपड़े की होती है,
भाई कपड़े दोनों आते हैं ना, शर्ट और साड़ी, लेकिन शर्ट और साड़ी दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं अगर बात करूं तो क्लॉथ तो एक आपका ग्रुप हो गया, क्लॉथ के अंदर का शर्ट भी आएगा और साड़ी भी आएगी। तो ये जो सर्कल है वो क्लॉथ का हो गया, ये सर्कल जो है क्लॉथ का हो गया, ये सर्कल आपका जो है साड़ी का हो गया, ठीक है ना। ये आपका जो है साड़ी को रिप्रेजेंट करेगा और ये सर्कल आपके शर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात जो है कपड़े के अंतर्गत शर्ट और साड़ी दोनों आएंगे लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ शर्ट साड़ी नहीं हो सकते, ठीक है ना, या कुछ साड़ी शर्ट नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पे देखो इस प्रकार से डायग्राम कौन सा बना है, तो आपने कहा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए यहां पर एक आपको वर्ड दिया गया है STIMULATION। अब जो ये वर्ड दिया गया है इसके अल्फाबेट का प्रयोग करके ये वर्ड बनाए गए हैं जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। एक ऐसा आपका वर्ड है जो इसके अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो भाई इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, या तो कोई बाहरी आपका अल्फाबेट आ जाए तो वो नहीं बनाया जा सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई जो अल्फाबेट जितनी बार इस वर्ड में प्रयोग हुआ हो उतनी बार तो वो आ सकता है, उससे कम बार आ सकता है, लेकिन यदि उससे ज्यादा बार आ गया तो भी वह वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहां पे याद रखना है, या तो कोई बाहरी अल्फाबेट आ जाए या फिर जो आपका यहां पे अल्फाबेट यूज हुआ है जितनी बार यूज हुआ है अगर उससे अधिक बार वो यूज होता है तो फिर वो वर्ड नहीं बन सकता। हाँ उससे कम बार यूज हुआ हो तो बिल्कुल बन सकते, उतनी बार जितनी बार वो आए उतनी बार भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक बार यूज नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखो जरा क्या पहला बन सकता है। आपने कहा कि देखो भाई यहां पे एस टी ए, देखो एस है टी है ए है, एस टी ए टी आई ओ एन, देखो यहां पे टी आई ओ एन ये भी आया है, पहला बिल्कुल बन सकता है। अगर हम बात करें तो एम यू टी, अब देखो एम यू बी है टी ए टी आई ओ एन, देखो टी ए है टी आई ओ एन, दूसरा भी बन सकता है। एम ओ टी आई एन, तो आपने कहा एम ओ टी आई एन, ये भी बन सकता है। अब देखो एम ओ, आप देखो यहां पे अगर बात करें तो एम ओ यू टी एच, अब एच कहीं भी नहीं है, देखो एच जो है यहां पर कहीं भी नहीं आया, इसलिए आपका चौथा जो है ये नहीं बन सकता, क्योंकि एच आपका जो अल्फाबेट है वो कहीं प्रयोग नहीं हुआ इसमें, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 11th नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से। किस टॉपिक से पूछा गया है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि एक निश्चित नियम का पालन या तो पंक्तिवार या स्तंभवार किया जाता है। अब देखो ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स हैं, अगर बात करें रो की तो रो आपकी जैसे ये आपका 18, 28, 21 तो ये रो हो गई, और 18, 13, 11, 16 ये आपका कॉलम हो गया। तो आप यहां पर जो भी रूल लगाएंगे चाहे वो रो वाइज लगाएं चाहे कॉलम वाइज लगाएं, वो आपका अगर भाई रो वाइज लगाते हैं तो रो कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4 चारों रो में सेम रूल लगना चाहिए। अगर आप कॉलम वाइज लगाते हैं कितने कॉलम है 3, तो कॉलम में भी आपका सेम रूल लगना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी आप यहां पे रूल लगाएंगे वो आपका चाहे रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज हो वो सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन तो आप ये समझें। अब यहां पर ये है कि सर हम इसको रो वाइज देखें कि कॉलम वाइज देखें, तो भाई जिधर आपका बड़ा नंबर लिखा हो, जिधर आपका अगर भाई यहां नीचे बड़ा नंबर लिखा है तो आप कॉलम वाइज देखिए, अगर इधर बड़ा नंबर लिखा है तो आप रो वाइज देखिए। अब बात यह आ रही है कि ना तो रो वाइज में बड़ा नंबर लिखा ना तो इधर कोई बड़ा नंबर है, तो भाई हम इधर ऐसे देख लेते हैं रो वाइज में, इधर भी कोई बड़ा नंबर नहीं है देखो, तो यहां पे हम जो है इसको कॉलम वाइज देखेंगे। अब रो वाइज देखें, अब हमको यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो अगर हम भाई रो वाइज बात करते हैं तो भी देखो नहीं आएगा, क्योंकि भाई इनके बीच ज़्यादा अंतराल नहीं है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके 28 को लाएं भी तो भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई 18 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 1 3 38 हो जाएगा। 38 माइनस 10 आपका 28 चलो आ भी जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा दें इसको, देखो कि 18 प्लस 21 ये अब कितना हो जाएगा, आपने कहा 8 1 9 2 1 3 माइनस का 10 कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। सेम यही रूल जरा देखो सेकंड में लगाओ लगेगा क्या, तो आपने कहा 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 3 8 2 1 3 ठीक है ना, नहीं 1 1 2 1 1 2 तो यहाँ पे तो माइनस 10 करने पे आपका जो है ये 18 आ जाएगा, जबकि वहाँ पे 17 है, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ये आपका नहीं लगेगा। तो फिर और क्या लगा सकते हैं देखो जरा, अब अगर हम यहाँ पे देखो इस प्रकार से सोचें, यहाँ पर अगर जैसे हमने यहाँ पे कॉलम वाइज सोचा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड और ये थर्ड, अगर हम कॉलम वाइज देखें, अगर हम कॉलम वाइज देखें फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ देखो एक रूल लग सकता है क्या, अगर हम 18 प्लस 11 ले लें कितना हो जाएगा ये, तो आपने कहा 29 हो जाएगा। 13 और 16 ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 29, अर्थात अल्टरनेट में दोनों नंबर को जो जोड़ा जा रहा है तो उनका जो एडिशन है वो आपका इक्वल आ रहा है। देखो यहाँ पर जो है इसको और इसको लिया गया, यहाँ पर इसको और इसको लिया गया, तो इन दोनों को जो एडिशन है वो आपस में क्या रहा, बराबर। अब इसी प्रकार जरा सेकेंड में लगाओ, क्या सेकेंड में ये रूल लग रहा है क्या, देखो जरा, तो अगर हम सेकेंड की कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 28 प्लस 7 28 प्लस 7 हो जाएगा 35, तो यहाँ पे देखो 17 प्लस 18 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 35। तो जरा थर्ड वाले कॉलम में देखो भाई, थर्ड कॉलम की अगर हम बात करें तो थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि 15 प्लस 19 पहले कर लो, तो 15 प्लस 19 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। तो आपने कहा कि 21 कैसे आएगा, 21 में कितना जोड़ा जाए कि 34 आ जाए, यही तो होगा कि 21 में कितना जोड़ा जाए, कितना जाए 34 आ जाए। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 34 माइनस 21, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, 13 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, 21 में अगर आप 13 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस मार्क क्वेश्चन मार्क वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे क्वेश्चन मार्क चिन्हित रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न को पूरा करेगा। अब यहां पर देखिए आपको ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें यहां पर ये डायग्राम क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। आपको ए बी सी डी में से एक डायग्राम यहां पर रखना है जिससे ये जो पैटर्न हो आपका कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम यहां पर देखो बात करें तो किसको यहां पर रखा जाएगा, अब यहां पर अगर हम देखो तो ये वाला पैटर्न देखो सब में सेम आ रहा है, ये वाला अगर आप देखें, ये वाला पैटर्न यहां भी है यहां भी है, तो इधर भी तो ये पैटर्न होना चाहिए, इधर भी तो होना चाहिए। पहले तो ये डायग्राम लेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आप लेंगे उसी प्रकार से उसको आप वहां पे रखेंगे, तो ये तो आप लेंगे नहीं, ये ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखो ये और ये काफी बड़ा ये छोटा है, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं हो सकता, आंसर कौन सा होगा, डी होगा। देखो इसमें ये वाला पैटर्न देखो इसमें मैच करो, तो जो पैटर्न यहां पर सेम इसमें भी है इसको आप जब ऐसे उठा के रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी जो है आपका सही आंसर होगा। डी को जब हम यहां पर रखेंगे तो पैटर्न जो हो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।